और अब आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। देर रात से आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन आंदोलनकारियों ने अभी तक जेएलएन मार्ग को खाली नहीं किया है। बगैर अनुमति के बैठे आंदोलनकारियों को हटाने की अब कवायद चल रही है। फिलहाल शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को धरने की अस्थायी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें एसएमएस एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी और अब उन पर सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को धरने की अस्थायी मंजूरी दी गई है, लेकिन बिना परमिशन के जेएलएन मार्ग को ब्लॉक किया गया है, जिसके चलते अब आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। देर रात से समझाइश की जा रही है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों पर अब सख्ती की तैयारी हो रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और समझाइश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि वो अपना आंदोलन समाप्त कर दे, क्योंकि बिना अनुमति के जेएलएन रोड ब्लॉक कर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल के सामने ये भारी तादाद में आंदोलनकारी बैठे और अब पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देर रात से आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश जारी है और फिलहाल शहीद स्मारक पर इन्हें धरने की अस्थायी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मी लगातार आंदोलन रहते हैं और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतवीर, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से इनके ऊपर सख्ती दिखाई जा सकती है? जी देखिए, संविदा केडर में शामिल करने की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर रखी है और आज इसका पांचवा दिन है और लगातार मामले को लेकर सरकार भी गंभीर है, क्योंकि मरीज काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके बाद में जो वार्ता का जो दौर है वो भी चला था, लेकिन वार्ता में कुछ सकारात्मक पहलू सामने नहीं आए और वार्ता भी विफल नजर आई। वहीं अब लगातार जो समझाइश है एम्बुलेंस कर्मियों से की जा रही है कि वो काम पर लौटे और अपनी जो हड़ताल है उसे खत्म करे, लेकिन इसके बावजूद भी एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांग पर डटे हुए हैं, जिसके बाद में अब सुबह जो पुलिस का पूरा जाब्ता है, पुलिस बल है, वो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंचा है, जहाँ पर वो धरना दे रहे हैं और इसके साथ ही जो उनकी एम्बुलेंस जो खड़ी की गई है 108 104 उसे हटाने का भी प्रयास यहाँ से पुलिस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उन पुलिस का कहना है कि आप यहाँ पर बिना अनुमति के जो धरना है वो दे रहे हैं, पहले आपको अनुमति लेनी चाहिए। उसको लेकर भी अब जो विवादास्पद स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एम्बुलेंस कर्मियों ने साफ तौर पे कहा है कि वो यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि अब लगातार शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, किसी को बाधित यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना जा सकता है कि मामले को लेकर जो प्रशासन है वो काफी गंभीर है, इसी को लेकर भारी मात्रा के अंदर जो यानी स्थिति सतवी जो है संवेदनशील है। और ये जो बिना अनुमति के यहाँ धरने पर बैठे हुए शहीद स्मारक पर जो अस्थायी अनुमति मिली है उसके बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इनको ऐसा ही जो अनुमति है उसे स्मारक में मिली है कि वो वहाँ पर जाके अपना जो प्रदर्शन या धरना वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अब ही यहाँ से उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। तो माना जा सकता है कि एम्बुलेंस कर्मी भी इस जो पुलिस वहाँ पर पहुंची है तो नाराजगी और भी देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों के बीच में पुलिस और जो एम्बुलेंस कर्मी है उनमें जो खासुनी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन माना जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस यहाँ पर बिल्कुल, और यही उम्मीद करते हैं सतवीर की शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकल सके। आप इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा, फिर जुड़ेंगे अपडेट के लिए आपके साथ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।